Hello everyone, I hope you all are doing great. So previous video which we have made on the topic should, I believe that you all must have watched that video and you do not have any doubts in that concept. So इस चीज को समझते हुए चलिए हम आगे बढ़ते हैं. आज की जो वीडियो है that is on the topic which is must. Must कहाँ पे यूज होता है, कैसे यूज होता है, आज हम इस पर बात करेंगे. थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा यूजेज ऑफ शुड को. शुड क्या होता है, चाहिए. अब चाहिए का क्या मतलब है यहाँ पे, जैसे कि मुझे घर जाना चाहिए, आई शुड गो होम. मुझे पढ़ना चाहिए, आई शुड स्टडी. मुझे उससे मिलना चाहिए, आई शुड मीट हर. तो इस तरह की जब चीजें चाहिए आपकी होती हैं आप शुड का यूज करते हो. और इसी में मस्ट का क्या यूज होता है, जब आपको कोई चीज करनी चाहिए बट जरूर करनी चाहिए, तो उस जरूर चीज को दिखाने के लिए हम यहाँ पे मस्ट का यूज करते हैं. जैसे कि नॉर्मल हम जानते हैं कि मस्ट का मतलब जरूर होता है. तो मुझे घर जाना चाहिए, आई शुड गो होम. मुझे घर जरूर जाना चाहिए, आई मस्ट गो होम. मुझे उससे मिलना चाहिए, आई शुड मीट हिम. मुझे उससे जरूर मिलना चाहिए, आई मस्ट मीट हिम. यहाँ पे जो जरूर वर्ड है ये आपके कॉन्वर्सेशन में रहता है और मैक्सिमम केसेस में जरूर नहीं भी होता है. तो सुनने में मे भी आपको सेंटेंस लगेगा कि ये शुड से बनेगा, लेकिन अगर आपको लग रहा है नहीं यहाँ पे इस चीज को जरूर करना चाहिए, तो वहां पे आप शुड को रिप्लेस कर सकते हो मस्ट के साथ. तो चलिए ट्रांसलेशन पे इसके आ जाते हैं. फॉर्मूला इसका सेम है जैसे कि शुड का था, बस शुड की जगह पे हम मस्ट यूज कर रहे हैं. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये, निगेटिव में मस्ट के बाद नॉट लग जाएगा. इंट्रोगेटिव में मस्ट पहले आ जाएगा. और अगर डब्ल्यू एच का कोई सेंटेंस है तो डब्ल्यू एच का वर्ड प्लस मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. द फर्स्ट सेंटेंस विच इज देयर, उसे तुम्हारी मदद करनी चाहिए या फिर उसे तुम्हारी मदद जरूर करनी चाहिए. सिंपल है, ही मस्ट. अब यहां पे वर्ब क्या है, मदद करना. मदद करने की इंग्लिश हेल्प, ही मस्ट हेल्प यू. दूसरा सेंटेंस आपका, मुझे अब और इंतजार नहीं करना चाहिए. सो ओके, इंतजार करना है यहां पे आपकी वर्ब. मुझे नहीं करना चाहिए, मैं हो जाऊंगा आपका सब्जेक्ट. निगेटिव है, मस्ट के बाद नॉट लगेगा. आई मस्ट नॉट वेट. अब और की इंग्लिश एनी मोर. आई मस्ट नॉट वेट एनी मोर. इंट्रोगेटिव, क्या मेरे भाई को यहां आना चाहिए या क्या मेरे भाई को यहां जरूर आना चाहिए. ओके, मस्ट माई ब्रदर कम हेयर. मस्ट माई ब्रदर कम हेयर, क्या मेरे भाई को यहां जरूर आना चाहिए. उसके बाद आपका, तो हमें उसे कब कॉल करनी चाहिए या फिर हमें उसे कब जरूर कॉल करनी चाहिए. तो को मैं यहां से हटा देता हूं. ओके, तो कब यहां पे डब्ल्यू एच का है, कब की इंग्लिश होगी वेन. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डब्ल्यू एच. सो वेन मस्ट फिर आपका सब्जेक्ट रह जाएगा. वेन मस्ट हमें की इंग्लिश होगी बी. वेन मस्ट बी अब वर्ब क्या है, कॉल करना. वेन मस्ट बी कॉल किसे, उसे. हर, अगर उसे भी लड़की है तो हर और लड़का है तो हिम आप लिख लोगे. वेन मस्ट वी कॉल हिम. इंट्रोगेटिव है, डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन क्वेश्चन मार्क हियर. तो ये इसका प्राइमरीली यूज है जो हमने यहां पे समझा. इसके अलावा ये सेक्शन भी हमने शुड के ऊपर पढ़ा था, जैसे कि शुड बी और यहाँ पे शुड हैव और शुड हैव बीन, वो भी चीजें आपकी सेम मस्ट में चेंज होती हैं. सो द फर्स्ट वन इज मस्ट बी, होना चाहिए, जरूर होना चाहिए. तो जैसे कि मस्ट बी का यूज क्या होता है, जब किसी को कोई चीज जरूर होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, किसी को थोड़ा साइंस में अच्छी नॉलेज है, बायो वगैरह में बहुत अच्छी नॉलेज है, तो तुम्हें अगर आप बोलते हो वहां पे तुम्हें डॉक्टर जरूर होना चाहिए, तो वहां पे आप यहाँ पे मस्ट बी का यूज करोगे. तुम्हें टीचर जरूर होना चाहिए, तुम्हें मेरा फ्रेंड जरूर होना चाहिए, सो वहां पे आप मस्ट बी का यूज करोगे. फॉर्मूला लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट. यहाँ पे कोई मेन वर्ब नहीं है, जस्ट लाइक शुड बी. तुम्हें डॉक्टर, यहाँ पे अगेन आई अज्यूम डॉक्टर वर्ड, तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए. सो यू मस्ट बी अ डॉक्टर. यू मस्ट बी अ डॉक्टर. अब इसको अगर आपको चेंज करना है, टीचर करना है या कुछ, माई ब्रदर करना है, फ्रेंड करना है, तो जिस जगह पे ऑब्जेक्ट है, डॉक्टर है, उसको आप चेंज करते जाओगे, आपकी सेंटेंस की मीनिंग चेंज होती जाएगी. सो द सेकेंड यूज ऑफ मस्ट बी इज एक्शन को कर रहा होना चाहिए. एट प्रेजेंट अगर आप होते हो और अगर आपसे कोई पूछता है तुम्हारा भाई इस वक्त क्या कर रहा होगा, ठीक है, तो आप वहां पर बोलोगे यार इस टाइम पे वो खेल रहा होगा, इस वक्त वो दौड़ रहा होगा, इस वक्त वो सो रहा होगा, इस वक्त वो पढ़ रहा होगा.
सुनने में जो ये सेंटेंस है रहा होगा, तो ये साउंड करता है जस्ट लाइक फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, बट इट इज नॉट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कोई चीज तो फ्यूचर में हो रही होगी, बट यहां पे क्या है साउंडिंग सेम है, बट यहां पे कुल मिला के प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि इस वक्त तुम्हारे भाई क्या कर रहा होगा, आप बोलोगे वो इस वक्त स्कूल में पढ़ रहा होगा, तो इट मीन दिस इज अ प्रेजेंट। सो इट डज नॉट मीन दैट हाउ डज इट साउंड। सो मोर ओवर वी नीड टू यू नो जस्ट टेक द इंटेंशन और द रियल मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। सो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म एंड इन लास्ट ऑब्जेक्ट। उसे इस वक्त सो रहा होना चाहिए या फिर उसे इस वक्त जरूर सो रहा होना चाहिए, बिकॉज अगेन सो रहा होना चाहिए इट्स ऑल अबाउट शुड, जरूर सो रहा होना चाहिए इट्स ऑल अबाउट मस्ट। सो ही मस्ट बी, ही मस्ट बी, अब सोना यहां पे वर्ब है आईएनजी फॉर्म उसकी होगी स्लीप, ही मस्ट बी स्लीपिंग इस वक्त इंग्लिश क्या होगी एट दिस टाइम, He must be sleeping at this time. उसे इस वक्त सो रहा होना चाहिए या फिर वो इस वक्त सो रहा होगा, ये भी आप बोल सकते हो। इसके कुछ एग्जाम्पल्स, ये बहुत ज्यादा यूज होता है ये पर्टिकुलर चीज, तो इसमें आपको यू नीड टू बी द बेस्ट इन इट। उसे इस वक्त खेल रहा होना चाहिए, he must be playing at this time. या फिर वो इस वक्त खेल रहा होगा, इसकी भी दोनों ही एक ही है, बस कहने का तरीका अलग है। उसे इस वक्त टीवी देख रहा होना चाहिए या फिर वो इस वक्त टीवी देख रहा होगा, ही मस्ट बी वॉचिंग टेलीविजन या टीवी। मूविंग ऑन, मस्ट हैव का यूज, मस्ट हैव के भी दो यूज होते हैं। पहला होता है पास होना चाहिए, जब आपके पास कोई चीज होनी चाहिए और जरूर होनी चाहिए। सो जैसे कि वीडियो बनाने के लिए मेरे पास मार्कर जरूर होना चाहिए, अगर वीडियो बनाने के लिए मेरे पास मार्कर होना चाहिए तो यहाँ पे शुड हैव का यूज करेंगे, और अगर मार्कर जरूर होना चाहिए तो मस्ट हैव का यूज करेंगे। सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन शुड हैव एंड दी मस्ट हैव। सो मेरे पास इसका फॉर्मूला देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। हम पहले भी बात कर चुके हैं, हैव का मतलब होता है पास्ट, पास होना, और मस्ट का मतलब होता है जरूर। मेरे पास होना चाहिए, मेरे पास मार्कर होना चाहिए, मेरे पास पेन होना चाहिए, व्हाइट बोर्ड होना चाहिए, यू नो माइक होना चाहिए, रिकॉर्डर होना चाहिए। तो यहाँ पे अगेन आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ पेन ड्यू टू लेस स्पेस, मेरे पास पेन होना चाहिए। सो आई मस्ट हैव, आई मस्ट हैव अ पेन। अब यहां पे लास्ट पार्ट जो पेन है उसको अगेन आप चेंज कर सकते हो, और उसकी जगह पे जो भी चीज आप लिखते हो या बोलते हो वो चीज आपके वहां पे ऐड हो जाएगी। लाइक आई मस्ट हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब जरूर होनी चाहिए। पढ़ने के लिए आपके पास बुक्स जरूर होनी चाहिए, यू मस्ट हैव बुक्स फॉर स्टडिंग, ठीक है। सो ये मस्ट हैव का यूज एक हो गया आपका। दूसरे यूज पे आते हैं चाहिए था, चाहिए था मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे कि तुम्हें ये चीज जरूर करनी चाहिए थी, तुम्हें जब तुम यहां मेरे घर पे आए थे तो तुम्हें मुझे मुझसे मिलना जरूर चाहिए था। अगर मिलना चाहिए था नॉर्मली है तो शुड का यूज करोगे आप, शुड हैव का यूज करोगे, और अगर वही चीज जरूर आप लगा रहे हो तो मस्ट हैव का यूज करोगे आप। तो तुम्हें मुझे सच जरूर बताना चाहिए था, तुम्हें मुझे सच जरूर बताना चाहिए था। यू मस्ट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म फॉर ऑब्जेक्ट, यू मस्ट हैव, अब बताने की इंग्लिश क्या होती है टेल, और टेल की थर्ड फॉर्म होती है told, you must have told me the truth। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, तुम्हें उससे जरूर मिलना चाहिए था, you must have met her, तुम्हें उसे जरूर कॉल करनी चाहिए थी, you must have called her। तो must का मतलब जरूर आ जाएगा, यहां पे जरूर के लिए additionally मत सोचिए। तो this is how we use must। एक एग्जाम्पल यहां पर और दिया है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था या फिर उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, तो वो जरूरी वर्ड ऐड हो गया। सो शी या फिर ही मस्ट नॉट हैव डन सो,
शी मस्ट नॉट हैव डन सो, उसे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। निगेटिव में आप मस्ट के बाद नॉट लगाओगे और फिर आप हैव लिखोगे, अगर इंट्रोगेटिव है तो यही मस्ट आपका पहले आ जाएगा। लास्ट आपका थर्ड सेंटेंस है, क्या मुझे उस पर विश्वास जरूर करना चाहिए था। ओके, सो मस्ट यहां पे आपका पहले आ जाएगा, मस्ट, फिर आपका सब्जेक्ट आ गया, मस्ट पहले हो जाएगा, मस्ट आए, हैव विश्वास करना, बिलीव, मस्ट आई हैव बिलीव्ड हर या हिम, क्या मुझे उस पर जरूर भरोसा करना चाहिए था। इसमें नॉर्मली जो आपके एग्जाम्पल्स हैं स्पोकन इंग्लिश में, हम सिंपल ही ज्यादा यूज करते हैं या निगेटिव यूज करते हैं। मूविंग ऑन टू द लास्ट सेकेंड, तुम्हें होना चाहिए था। ओके, सो दिस इज डन, दिस इज डन, इस पे आते हैं मस्ट हैव बीन। मस्ट हैव बीन के भी यहाँ पे आपके दो यूज हैं। पहला यूज जो है आपका होना चाहिए था, दिस इज अगेन सेम एज दिस, होना चाहिए, तुम्हें टीचर होना चाहिए, यू मस्ट बी अ टीचर, तुम्हें टीचर होना चाहिए था या तुम्हें टीचर जरूर होना चाहिए था, तो आपका यू मस्ट हैव बीन हो जाएगा। ठीक, तो पास्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे हैव और बी की थर्ड फॉर्म बीन है, तुम्हें होना चाहिए था। अब यहाँ पे फिर से अगेन आप टेकिंग एग्जांपल ऑफ डॉक्टर, तो ऊपर हमने लिखा था यू मस्ट बी अ डॉक्टर, तुम्हें जरूर डॉक्टर होना चाहिए, अब यहाँ पे तुम्हें डॉक्टर जरूर होना चाहिए था, तो यू मस्ट हैव बीन अ डॉक्टर। डॉक्टर वर्ड को यू कैन चेंज अकॉर्डिंगली, सो यू कैन पुट अ टीचर, माई फ्रेंड, माई ब्रदर, यू नो एटसेट्रा। So you must have been a good engineer, you must have been a good teacher, you must have been my friend and all. Must have been का दूसरा यूज क्या होता है, एक्शन को कर रहा होना चाहिए था। ओके, तो जो यूज हमने जो इसका यहाँ पे समझा है, जैसे कि मेरा भाई इस वक्त पढ़ रहा, मेरे भाई को इस वक्त पढ़ रहा होना चाहिए, वो इस वक्त जा रहा होगा, तो उसी चीज को अगर हम पास्ट में ले जाते हैं, उस टाइम पे उसे सो रहा होना चाहिए था, या फिर उस टाइम पे उसे जरूर सो रहा होना चाहिए था, उस टाइम पे वो जरूर ये कर रहा होगा, तो फिर आप उसको सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस हैव प्लस बिन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म, लास्ट वन इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से बनाते हो। तो एग्जांपल क्या आते हैं, उसे उस वक्त सो रहा होना चाहिए था, या फिर उसे उस वक्त जरूर सो रहा होना चाहिए था। ओके, सो ही सब्जेक्ट मस्ट हैव बीन, ही मस्ट हैव बीन, अब वर्ब है यहां पे आपके स्लीप, स्लीप की आईएनजी फॉर्म स्लीपिंग, ही मस्ट हैव बीन स्लीपिंग उस वक्त, दैट टाइम, उसे उस वक्त पढ़ रहा होना चाहिए था, ही मस्ट हैव बीन स्टडीइंग एट दैट टाइम। तो यहां पे आपके सारे ही यूजेस खत्म होते हैं मस्ट के। वंस अगेन, मस्ट और शुड में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, बस चाहिए का मतलब है शुड और जरूर चाहिए का मतलब है मस्ट, तो ये इंटरचेंजेबल होती है। बहुत सी जगह पे ऐसा होता है कि हमें मस्ट लगाना चाहिए बट स्पोकन इंग्लिश में हम शुड लगा देते हैं, या शुड लगाना चाहिए मस्ट बोल देते हैं, दैट इज एक्सेप्टेबल। बट अगर आप कहीं पे स्कूल के सिलेबस से पढ़ रहे हो और रिटन मैनर में अगर आप ये चीजें कर रहे हो, तो इट्स बेटर टू यूज प्रॉपर वर्ड फॉर दैट। आई होप आपको मस्ट के यूजेस क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय बाय।